है आपका न्यूज़ 70 में। मैं यहाँ मोहनपुर गांव में पहुँचा हूँ और मोहनपुर जो कनीना से कुछ ही 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर काफ़ी लोग हमें यहाँ बैठे हुए मिले हैं, उनकी प्रतिक्रिया हम जानेंगे 2019 को लेकर के। अभी लोकसभा में जैसे चुनाव होने को जा रहे हैं तो इनसे इनकी जो प्रतिक्रियाएँ हैं, इनकी जो राय है वो आप जनता तक हम पहुँचा रहे हैं। एक एक करके हम इनसे इनकी जो राय जानेंगे। बाबा सबसे पहले अपना नाम बताइए। दलीप सिंह। दलीप सिंह जी, क्या लगता है अभी जैसे 2019 में लोकसभा में चुनाव होने जा रहे हैं तो कौन सी सरकार आपको पसंद है? लोकसभा में काटा की टक्कर बनी हुई है, उधर महेंद्रगढ़ बयानी है तो। अच्छा जी, ना मेरे को कौन सी लिखट जाए ज़्यादा, कांग्रेस का चांस हो रहा है। अच्छा, आपके इधर कांग्रेस के ज़्यादा है। हाँ। तो अभी जैसे सुनने को आ रहा है चौधरी धर्मवीर सिंह, क्या लगता है आपको किस तरह से देख रहे हैं? ये भी इस बात को बेरो को ना किस तरह से रिजेक्ट हुए उसे पर बाकी नहीं। आपके चौधरी धर्मवीर सिंह कितनी बार आ चुके हैं यहाँ गांव में? गांव में तो एक बार भी आया ही नहीं है। नहीं, आपके यहाँ मोहनपुर में एक बार भी नहीं आए? नहीं जी। तो क्या लगता है कि किस तरह से देखते हो आप? देखते कैसे हो, कोई काम करो ना और ना कोई MP को विकास हो ना, उन्हें बताओ वोट लेंगे किस तरह देगी पब्लिक। तो अभी जैसे यहाँ श्रुति चौधरी कांग्रेस से जैसे प्रत्याशी के रूप में उतार दी गई है, फाइनल है यहाँ से, तो कितना समर्थन आप जैसे उनको देते हो? मेरा तो फुल समर्थन चल रहा है उससे, कांग्रेस सीट निकलेगी उरा। तो अभी जैसे अभी आपके नज़र में दो ही रुझान है पार्टी के, कांग्रेस और BJP, इसके अलावा कोई जैसे नई पार्टियां हैं उनका किस तरह? कोई वजूद नहीं, BJP और कांग्रेस का है जी। अच्छा, इसमें से कोई और नई पार्टियों का कोई वजूद नहीं? नहीं। चलो ठीक है, कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए। रामपाल शर्मा सर। रामपाल जी, तो ऐसा सर जी कि धर्मवीर की हमने खूब पहले जोर शोर से मतलब सभी साथ थार खूब बढ़िया ढंग थे, लेकिन दर्शन ही नहीं हुआ उनका तो। और ये तो पीछे जी चिड़िया गांव में आए तो जब वोटिंग कर दी लोग ने काला झंडा दिखा दिया और ये पूरा कांटा की टक्कर से जी BJP और कांग्रेस दो ही। तो श्रुति चौधरी को किस तरह से देखते हैं, मतलब क्या है मतलब? हम तो जी फुल समर्थन थे साहब, मतलब तकरीबन। तो आप कांग्रेस के साथ हैं? हाँ जी फुल। तो आप सर अपना नाम बताइए। बिहारीलाल जी। प्यारीलाल जी, क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार बना रही है? सरकार तो जी क्या बनाएंगे, यहाँ तो ऐसा है जब विधायक और MP बन जाते हैं यहाँ आकर के कोई पूछता ही नहीं कहाँ कौन मरता है, कोई जीतता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसकी सरकार बनाएंगे बताओ। नहीं, आपके नज़रिए में जैसे पहले आपके नज़रिए में हमारी नज़र में जी BJP को तो कोई बुरा है कि खड़ो ना जोश कदे सुनीता है कि खड़ी ना या संतोष आए के खड़ी हुई और ना कहते धर्मवीर आए के खड़े हुए। इससे पहले जैसे कांग्रेस में जैसे श्रुति चौधरी थी यहाँ से जो है MP थी 5 साल पहले, तो कितना विकास करे यहाँ कितनी बार? हाँ यहाँ कई बार यहाँ आई भी, यहाँ जो से वाटर सप्लाई वगैरह का काम भी करवाया, तो जो से यहाँ आई भी लोगों की पूछी भी, चाहे काम पर्सनल काम तो किसी के होने नहीं, बाकी सामूहिक काम करवाए आई भी। तो जैसे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों पसंद नहीं आ रहे, क्या कारण है? नरेंद्र मोदी से कोई बैर नहीं, नरेंद्र मोदी बिल्कुल बढ़िया है जी, बाकी काम तो यहाँ से होना है ना, मोदी क्या करेगा, एक मोदी क्या करेगा, यहाँ 50 मोदी और पीछे बैठे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ जो यहाँ के कैंडिडेट है जो सही तरीके से कैंडिडेट है वो कहीं सही तरीके से कोई काम ही नहीं करता, फिर बताओ मोदी क्या करेगा। एक मोदी से कोई बैर नहीं, न मोदी से कोई ईर्ष्या, अगर यहाँ से अगर मोदी किसी ठीक आदमी को अगर टिकट देता तो मोदी के हम साथ हैं। अगर जैसे अगर चौधरी धर्मवीर सिंह को दोबारा उतार देते हैं तो कितना समर्थन? ना जी हमारा तो है नहीं बिल्कुल। आप कांग्रेस के साथ रहोगे? हम तो कांग्रेस के साथ रहेंगे अगर धर्मवीर आएगा तो। चलो ठीक है, कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप इधर आ जाओ भी। सुनील बाबा अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है कुछ ही समय बाद अभी जैसे लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो कौन सी सरकार आपको पसंद है? कांग्रेस। कांग्रेस, धर्मवीर तो यहाँ आया ही नहीं, ना कोई काम करवा ना और कुछ, फिर वोट किसको दे? तो अभी अब जैसे ऊपर से सेंटर में कहते हैं कि भी मोदी जी ठीक है जी, मोदी जी खूब अच्छा है मोदी जी, लेकिन यहाँ के लोग जो कैंडिडेट हैं वो कुछ भी नहीं। मतलब आप मेन कैंडिडेट से नाराज हो? पार्टी
पार्टी से कोई नाराजगी नहीं? पार्टी से कोई नाराजगी नहीं, कैंडिडेट से नाराज। तो अभी जैसे आप अभी टिकट की अभी फाइनल घोषणा नहीं हुई है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री जी को कि कोई अच्छा कैंडिडेट उतारा जाए? घोषणा होगी तो बता देंगे जी, अभी टिकट घोषणा तो कांग्रेस की हो रही है। सुनने को तो अभी चौधरी धर्मवीर सिंह का ही आ रहा है। मिलेगी तो यहाँ वोट नहीं मिलेंगे जी। अच्छा, ये पूरा आपका जितना भी पूरे गाँव के आप लोग बैठे हो तो तकरीबन आप मतलब चौधरी धर्मवीर सिंह को समर्थन नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। तो आप कांग्रेस को समर्थन करते हो? तो यहाँ से जैसे कैंडिडेट श्रुति चौधरी को उतार चुके हैं, तो आप पूरा समर्थन श्रुति चौधरी को दे रहे हैं? हाँ जी। चलो ठीक है, कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बाबा अपना नाम बताइए। चलो कोई नहीं, आप बोल रहे तू बोलते। बोल दे। हाँ जी, अपना नाम बताइए। रतन सिंह। रतन सिंह जी, क्या लगता है अपने दिमाग से क्या कौन सी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो जो कैंडिडेट के ऊपर से धर्मवीर और ये संतोष यादव जो खड़ी होगी तो बीजेपी की पर्ची भी कौन है? ये कहते हैं ना कि अपने यहाँ दक्षिणी हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र जैसे राव इंद्रजीत के जैसे कहे पे चलता है, ये किस तरह कितनी बात सच है इसमें? ना जी, हम तो राव इंद्रजीत को मानते ना। इंद्रजीत तो क्या है, इंद्रजीत की तो लोग मानते हैं, बाकी जब यहाँ का कैंडिडेट ही कुछ नहीं करता तो इंद्रजीत भी क्या करेगा? वही बात है कि प्रधानमंत्री वाली मोदी वाली बात है, एक मोदी वहाँ बैठा क्या करेगा बताओ? मोदी क्या करेगा? यहाँ तो कोई उद सुध लेता नहीं, इसलिए अगर यहाँ खट्टर भी बढ़िया है मोदी जी बढ़िया जी, लेकिन नीचे वाले तो बढ़िया कौन है, उरा वाले तो। अच्छा, जैसे अभी यहाँ जो एमपी है वो आपको पसंद नहीं आ रहा? बिल्कुल पसंद नहीं है जी, पसंद नहीं है ना एमएलए ना एमपी। अच्छा, यहाँ जो एमएलए है जो ये भी आपको पसंद नहीं, जो आपके यहाँ आज तक दर्शन भी ना देखे जी? तो आपके यहाँ जो संतोष यादव जो है, हाँ जी ये है आपके यहाँ संतोष यादव, तो ये भी आपको पसंद नहीं? नहीं है जी। तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रोहतास भाई। रोहतास जी, क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट आपको पसंद है, कौन सी सरकार कांग्रेस बनेगी? कांग्रेस ने वोट देंगे आप, और कांग्रेस ने देता आया था पूरे तो आए कहीं नरनू दर्शन भी ना देख भाई, तब मरो शोक जीवो शोक की मैं क्या करो, आज मान ले 6 दिन होगा पूरा पानी की खातर पिछाए मर रहा सा। हाँ भाई, वो ट्यूबवेल अरे की पेट के दे तो कोई उदसो देखो ना पता। कल जैसे यहाँ पर किसानों के लिए जैसे सरसों की खरीद को लेकर के काफी जो किसान है वो परेशान जैसे नजर आए थे, तो क्या लगता है कितना आपको मतलब संतुष्टि है इस सरकार से? भाई 4-5 ट्रॉली रोज उल्टी आ ली थी, कसा का मोक्चर को नाली से वो ने उल्टी गाल दी, उठे पांच तो शान था पड़ा रहा शान उल्टी आज है या तेरी खरीद ले। तो अभी इस सरकार से या मतलब अभी जो हालिया जो एमपी है यहाँ के, तो इनसे क्या कितना संतुष्ट है? कोई संतुष्ट नहीं ना भाई, मार को संतुष्ट है। चलो आप थोड़ा आप बताओ बाबा अपना नाम बताइए। तारा चंद नाम से भाई। तारा चंद जी, तो आप बताओ सर क्या लगता है 2019 में किस तरह? 2019 में मन्नत नूला कैसा बल्ले बल्ले खट्टर की होगी, बल्ले बल्ले मोदी की होगी। अच्छा। हरियाणा में मारा काम कमे चाहे कोई किमी कहो, आज देश आजाद होने के बाद में इतना बालक नहीं लग गया जो योजना में जितना बालक लग गया सी, और बगैर सिफारिश और बगैर पैसे और ऐसे फालतू विकास क्या होगा बताओ? मारे जाने में तो खट्टर पर की सरकार आज तक देश आजाद होने के बाद ही नहीं हो। अभी जैसे यहाँ कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर सिंह को दोबारा उतार दिया जाता है, वह भाई का रहे संतोष तो कति वो है? नहीं नहीं, अभी एमपी में क्या होता है संतोष? नहीं, अभी उधर चौधरी धर्मवीर सिंह को सुनने में आया के बेरो कितने केस है भाई? सुने वो बताओ, आप बता दू एमपी थारा आयो कौन सोच कब मोटा खातर दुनिया अंडे से ना एम पी ए बुलाओ जबावी सी कहीं ना बुलाओ धर्मवीर, कहीं ना धर्मवीर बुलायो, बुलाई थी श्रुति, श्रुति बुलाई गई थी, धर्मवीर कहीं ना बुलायो, कहीं ना बुलायो धर्मवीर, बगैर बुलाए कितना होगा धर्मवीर? नहीं मतलब वो भी तो देखना चाहिए ना कि गांव में जाकर के हमने उसको आपने वोट तो दिए होंगे धर्मवीर के, तो उनका फर्ज भी बनता है कुछ? फर्ज उनको बना सा है, पर गांव को क्यों फर्ज बना सा है? ये भाई ने कही कि भाई पानी का पिसाया बैठा सा, ये बात करो मेगा जब सुनेगा गुरु बैठा बैठा सुन लेगा भाई पानी का पिसाया सा। कितने दिन से आपके यहाँ पानी की जो समस्या है वो चल रही है? एक बार बोर फेल हुआ जी, 7 दिन हुआ लिया। ये जो पानी का जो बोर था ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाया? गवर्नमेंट की तरफ लगे उड़ोसा जी। तो भी एक 6-7 दिन से आपके यहाँ पानी की जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है? कोई हाल वर्ष कोई है जी कौन पानी कौन
तो अभी यहाँ किसी से सरकार से या किसी पानी के जो व्यवस्था जो करता है सरकार में उनसे किसी से आपकी बात हुई है? ना जी, कहीं तक को वैसा ना। तो ऐसे तो सर कैसे चलेगा जब तक आप सरकार के किसी नुमाइंदे को नहीं बताओगे तो नहीं पहुँच पाएगा। तो सरकार तक हाँ भाई, ये नुमाइंदा पूछ रहा हूँ जो कह रहा है। तो यहाँ पर हम तो फोन करके पैसा था कौन नुमाइंदा पहुँचावे? एक मिनट नुमाइंदा पहुँचाओ सरपंच से। ये बताइए सर, जैसे पानी की आपके यहाँ समस्या, सर एक मिनट, पानी की आपके यहाँ समस्या है और पानी की समस्या के लिए जब तक आप वहाँ किसी अधिकारी को या किसी को सूचित नहीं करोगे या फिर कोई गांव वाले इकट्ठे कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दोगे तो इसे भाई पंचायत गांव का पंचायत बने से या कुणबा को ऊपर जैसे सदस्य एक और समुखिया अग बाप बाप ने शिकायत करी जाएगी पूरा गाँव का सरपंच ने शिकायत कर रहा था शिकायत वो सोधी को सरपंच आएगा हमारी बुझ जगह में और बता कह नहीं कहा। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ अभी आए हैं सर। नमस्कार सर, आप अपना नाम बताइए। बिल्लू। बिल्लू जी, क्या लगता है अभी जैसे कुछ ही समय बाद अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, बता दी भाई से आप अपनी जो राय है वो बताइए, कौन सी सरकार को पसंद कर रहे हो अपने दिल की बात? अपा तो बीजेपी ने ही करा, बीजेपी ने बढ़िया काम करे थी। अभी ये जो सारे बैठे हैं, अभी जितने भी आदमी बैठे हैं, भैया बीजेपी ने बढ़िया नहीं किया, कांग्रेस ने अच्छा किया है, तो हम कांग्रेस को, ये तो सारे वो बात हुई थी ना नौकरियां में तो भेदभाव करे को नहीं उन महेंद्रगढ़ का उड़ा कर घड़ा लगाई थी और क्या चाहिए ने एरिया में। चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं नजर आई हैं, कुछ कांग्रेस के मिले हैं तो कुछ एक दो जो साथी हैं हमें बीजेपी के बता रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ दुकान पे चलते हैं, इधर दुकान की तरफ, यहाँ पर दुकान पे भी हमें कुछ लोग यहाँ मिले हैं। सर अपना नाम बताइए। राम निवास। तो राम निवास जी, अभी कुछ ही समय बाद लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आपको पसंद है? ये बीजेपी आएगी। बीजेपी पसंद है? बीजेपी में क्या क्वालिटी आपको पसंद है, क्यों क्यों अच्छी लगती है बीजेपी? ये बढ़िया है, सबसे अच्छी तो नौकरी मिली हमारे, खुद बच्चा लगा है, 2000 रुपये मिला, ये मिले हैं और सब कुछ दे रही, बाकी सरकार यहाँ सर कांग्रेस सरकार ने किमें भी नहीं आता, उनने का काम भी नहीं है। अभी ये यहाँ के जो लोग बैठे हैं ये तो कह रहे हैं कि भी जो चौधरी धर्मवीर सिंह ने आकर के यहाँ कुछ किया नहीं है तो हम तो उसको पसंद नहीं करते, कैंडिडेट हमारे लिए बेस्ट होता है। तो संतोष ने क्या किया? धर्मवीर तो फिर भी आदमी था होगा जरूर, संतोष ने क्या करें? एक पशुआ का हॉस्पिटल है वो नांगड़ दे दिया, वो मोहनपुर में नहीं दे, उसने क्या किया है? अभी बता रहे हैं कुछ भी पानी की समस्या भी यहाँ से 7 दिनों से चली आ रही है, बावजूद पानी पीने का नहीं, पशुओं को मानसों के लिए ये दोनों बोर बोले पर उस पर कनेक्शन नहीं है और ये बड़े गया है उठता नहीं है, पानी की बहुत भारी समस्या है। आप रोड पर जाके देखो किसी टंकी में पानी नहीं है और बस्ती हरिजनों के देखो पानी के गलत मिल जाए जाके देखो, और जो कि हरिजन सरपंच कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अभी आप जैसे बीजेपी सरकार को पसंद करते हो? हाँ जी, बीजेपी सरकार। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बस सर, आप अपना नाम बताइए। कोई नहीं, जो प्रतिक्रिया है कौन सी है? अनूप सिंह। अनूप सिंह, क्या लगता है 2019 में कौन सी पार्टी? बीजेपी बनेगी। बीजेपी पसंद आ रही है आपको? बिल्कुल। मतलब क्यों अच्छी लगती है? ईमानदार पार्टी। ईमानदार पार्टी है। और कांग्रेस में क्या आपको अच्छा नहीं लगता, क्यों पसंद नहीं आ रही आपको? कांग्रेस में घपलावट ज्यादा है मेरे विचार से। तो आप यही मोहनपुर से ही हो? नांगल से। नांगल से, अच्छा जी। नांगल, यही गाँव है। नांगल और मोहनपुर जैसे पास पास है? हाँ, ये ठीक ठीक ठीक। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ मोहनपुर में यहाँ मिले हैं। सर अपना नाम बताइए। शेर सिंह। तो सर कौन से गांव से अभी बिलोंग? नांगल से। नांगल से। तो क्या लगता है सर 2019 में किसकी सरकार बना रही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, खुली खुली। तो अभी कैंडिडेट जैसे यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह को जैसे लोग कम पसंद कर पा रहे हैं, कई जगह जैसे उनका विरोध भी हुआ था, आपको पता है? मोदी को बनाना है तो उसको वोट देना भी मजबूरी है, मजबूरी होगी। तो चौधरी धर्मवीर सिंह को जैसे यहाँ प्रत्याशी के रूप में उतार दिया जाता है तो बनेगा, पूरा समर्थन बनेगा बिल्कुल। तो मतलब आपके जैसे ये काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं तकरीबन जैसे मिली जुली जैसे बात बताइए, कोई कोई कहता है कि भी कांग्रेस का जो यहाँ आएगा कैंडिडेट हमें वो पसंद है कोई? ये तो आप अपने कह नहीं पड़े, अगर कहे से अपने बाकी बीजेपी आओगी देश को सुधार करे से और विदेशों में भी देश की पहचान हुई से ईमानदार आदमी से मोदी एकता निश्चय तो जरूर जरूर मिलेगा। चलो ठीक है सर, ये मोहनपुर के जो कुछ लोग थे उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानी है। न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहें जिससे कि हम और लोगों को भी आपके समक्ष पेश करेंगे और उनकी जो प्रतिक्रिया है उनकी राय है वो जनता के सामने हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें सुनील कुमार के साथ कृष्ण सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार। श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, जहाँ से शुरुआत होती है बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की।
श्री कृष्णा स्कूल ने दिए हैं बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सैनिक, वैज्ञानिक, अध्यापक और इसके साथ साथ ही प्रशिक्षित कोच और बेहतरीन खेल सुविधाएं। श्री कृष्णा स्कूल है महेंद्रगढ़ का एकमात्र सेल स्मार्ट स्कूल। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो आइए हमारे साथ एक नई शुरुआत के लिए श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें 9017111100, 9416704560। हमारी वेबसाइट है www.sks.com।